आज है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी का मोक्ष कल्याणक दिवस। तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी जब अपने तीसरे भव में सुप्रतिष्ठ मुनिराज थे, तब सुमंदर जिनेन्द्र के पाद मूल में 16 कारण भावना को भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था और जयंत विमान में अहमिंद्र हुए। अहमिंद्र की आयु पूर्ण करने के उपरांत जम्बुद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्थ देश में स्थित शौर्यपुर नगरी के यादववंशी महाराजा समुद्र विजय की पटरानी शिवा देवी के गर्भ से अवतरित हुए तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी, जिनका चिन्ह उज्जवल और सुपात्र जीवन जीने की शिक्षा देने वाला धीर, गंभीर और ओजस्वी वाणी का प्रतीक शंख है। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी दूसरे तीर्थंकर हैं, जो कि जयंत विमान से चयकर माता के गर्भ में आए थे। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के मोक्ष जाने के 5,00,000 वर्ष बीत जाने के बाद तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का जन्म हुआ था। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी दूसरे तीर्थंकर थे, जिन्होंने यादव वंश में जन्म लिया। तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी का शरीर नील वर्ण और 10 धनुष ऊंचाई वाला था। राहु ग्रह के अधिष्ठाता तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी ने अपनी 1000 वर्ष की आयु में 300 वर्ष कुमार काल में व्यतीत किए और तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी जब राजकुमार अवस्था में थे, तब जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल से विवाह से पूर्व पशुओं का क्रंदन सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ था। पंचबाल्यती तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी तीसरे तीर्थंकर हैं, जिन्होंने विवाह और राज्य नहीं किया था, जिसके बाद देवकुरु नामक दीक्षा पालकी में आसीन होकर गिरनार पर्वत के सहकार वन पहुँचे और बांस वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ मुनि दीक्षा को धारण किया। वेला का नियम पूर्ण करने के बाद द्वारिका के राजा वरदत्त के यहाँ उन्होंने खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया और उसके बाद 56 दिन तपकाल में व्यतीत किए। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी को बांस वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान प्रकट होते ही देवों द्वारा 1.5 योजन विस्तार वाले समक्षरण की रचना की गई, जहां मुख्य गणधर वरदत्त के साथ 11 गणधर ने तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की दिव्य देशना को जीवों तक पहुंचाकर उनका उद्धार किया। तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी 699 वर्ष 10 माह 4 दिन का केवली काल पूर्ण करके 1 माह पूर्व का योग निवृत्ति को धारण किया और आषाढ़ शुक्ला सप्तमी चित्रा नक्षत्र सायकाल में पद्मासन मुद्रा में स्थित क्षेत्र गिरनार पर्वत के उर्जंत गिरी से 536 मुनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त किया। 24 तीर्थंकरों में तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी दूसरे तीर्थंकर हैं, जिनको चित्रा नक्षत्र में मोक्ष हुआ था। जैन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि गिरनार पर्वत से शंभु, प्रद्युमन, अनिरुद्ध आदि 72,700 मुनि सिद्ध हुए हैं और इस टोक की भाव सहित वंदना करने से अनंत कर्मों की निर्जरा का फल मिलता है। तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी के तीर्थकाल में वसुदेव नाम के 20वें और प्रद्युमन नाम के 21वें कामदेव हुए थे। इसके अलावा ब्रह्मदत्त नाम के 12वें चक्रवर्ती, बलराम नाम के 9वें बलभद्र, कृष्ण नाम के 9वें नारायण, जरासंग नाम के 9वें प्रति नारायण हुए थे। तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल 84,380 वर्ष का रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पौराणिक नगरी आगरा में स्थित है शौरीपुर जैन मंदिर। इस पावन धरा पर तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के गर्भ जन्म ये 2 कल्याणक हुए हैं। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित झिरनो जैन मंदिर, जहां तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की मनोहारी मूलनायक प्रतिमा विराजित है। तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का तीसरा प्रसिद्ध मंदिर है महाराष्ट्र के परभणी में स्थित नवागढ़ जैन मंदिर, जहां तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की अतिशयुक्त मूलनायक प्रतिमा विराजित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास जिले में मौजूद सतवास भी तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहां मनुहारी परिकर सहित उनकी अतिशयुक्त प्रतिमा विराजमान है और जिनके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहां आते हैं। तीर्थंकर श्री 1008 नेमिनाथ जी सहित समस्त मुनिराजों के चरणार विंद में मन, वचन और काय से बारंबार नमोस्तु।